नमस्कार अभिनंदन आभार। मैं हृदय सुन सुन वाला आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने इस संसार में अग्रणी भूमिका निभाई है। आज के इस तकनीकी दौर में हम घर बैठकर संसार में हो रही घटनाओं, आविष्कारों और खेल कूद से संबंधित गतिविधियों को घर बैठकर आराम से सुन सकते हैं एक छोटे से यंत्र रेडियो द्वारा। क्या आप जानते हैं कि रेडियो का निर्माण किसने किया? जी हाँ, विलियेल्मो जियोवानी मारिया मार्कोनी ने रेडियो का निर्माण किया था। वो भौतिकी विज्ञान के ज्ञानी थे। उन्हें ग्रीक कहानियों में दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की थी। विलियेल्मो केवल घर पर रहकर विज्ञान का पढ़ते ही नहीं थे बल्कि उससे संबंधित प्रयोग भी करते रहते थे, जिसमें उनका साथ उनके मित्र लुईगी सोलारी देते थे। जब वो एक विज्ञान पत्रिका में विद्युत चुंबकीय का एक लेख पढ़ रहे थे तो उन्होंने जाना कि बगैर तार के भी संदेशा भेजा जा सकता है। और तभी से उन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग शुरू किया और तरंगे संचारित कैसे होते हैं उसकी खोज की और उससे संबंधित रेडियो ट्रांसमीटर का निर्माण हुआ, जिससे उन्हें भौतिकी विज्ञान से एक नोबल पुरस्कार सम्मानित हुआ। उनकी इसी खोज के कारण सन 1912 में जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तो 700 लोगों की जान बचाई गई। उनकी इन्हीं खोजों और आविष्कारों के कारण मानव जीवन की अनेक मुश्किलें आसान हुई और वो 63 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए। धन्यवाद।